मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हल्ला बोला है। बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए बताया कि किस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि बयान की हकीकत कुछ इस तरह है। गहलोत ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि राष्ट्रपति का चुनाव गुजरात के चुनाव से ठीक पहले था और ऐसे में लग रहा था कि गुजरात में उनकी सरकार नहीं बनेगी और इसीलिए अमित शाह ने पीएम मोदी को सलाह दी होगी कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया जाए। गहलोत ने साथ ही कहा कि शाह ने सभी जातीय समीकरण साधने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया और इस कारण अडवाणी राष्ट्रपति नहीं बन सके, जबकि देश सोच रहा था कि अडवाणी को वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। और साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि यह मेरे व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, यह उनके उन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ा है और ऐसा वोटों का समीकरण बैठाने के लिए उन्होंने किया होगा और ये उनकी पार्टी का मामला, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। और अब सुनाते हैं गहलोत का बयान जिस पर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए, उन्होंने सलाह दी होगी मेरा समझना कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए और अडवाणी साहब छूट गए, वरना अडवाणी साहब को था, देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम अडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, वंचित नया नाम आ गया। वो उनकी पार्टी का फैसला मुझे उसमें मेरे व्यक्ति कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें।